इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी ए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड हिस्ट्री, यानी कि बी ए पार्ट वन सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड है आपका, दूसरा सेमेस्टर बी ए फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें हम आज हिस्ट्री क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे और इसमें हिस्ट्री हमारा है वो है मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है पेपर का नाम है? मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 1206 से लेकर 1757 तक। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री है, इसको हम पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, या कह सकते हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, या कह सकते हैं मध्यकाल का भारत, ये भी कह सकते हैं इसे हिंदी में। पेपर कोड ये हमारा है 42702। तो इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इम्पोर्टेंट, और कल हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का आएगा, सुबह में 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। और वीडियो देख के आप बताइएगा कमेंट में, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट वीडियो। समय आपका 2 घंटे रहता है, क्योंकि मैं पेपर का पहलू आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके पेपर आएगा। मैक्सिमम मार्क आपके 75 रहेंगे, क्योंकि आपका 25 नंबर का आपका मिड टर्म हो गया है। तो ये सेकेंड यूनिट है, सेकेंड फर्स्ट जो फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर की, तो वो कंप्लीट है और प्लेलिस्ट आपकी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के लिए। सेकेंड यूनिट हम यहाँ पे आज अपलोड कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों को कम्प्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा इसका एक पार्ट और आएगा, तो आइए इनको देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या क्या करना है, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तो ये चार इसमें अभी और हैं, इन चार लोगों को भी इसमें हम इम्पोर्ट क्वेश्चन देख के आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और तब तक आप लिस्ट पे वेट करते रहिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसको मारकर गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी हत्या की, इसके बाद उसको राजगद्दी प्राप्त हुई या सिंहासन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके हैं, मुबारक शाह है, खुसरो शाह है, उमर शाह है, या फिर बहराम शाह। तो उमर शाह को मारकर जो है जो गयासुद्दीन तुगलक था वो शासन किया उसने या सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा बादशाह, ठीक है, या फिर सुल्तान, बादशाह या फिर सुल्तान ने क्या किया, तुगलक वंश की, या निम्न में से कौन सा बादशाह या सुल्तान तुगलक वंश का संस्थापक था, या उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। तो आपका राइट जाएगा बी खा, जो कि है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन हमारा है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जनता के हित में, ये जनता हित के लिए क्या कार्य किए गए। तो यहाँ पर कार्य हैं सड़क और पुल निर्माण, नहरें बनवाना, डाक व्यवस्था करना। तो ये तीनों ही कार्य किए थे तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसको जनता के हित में, तो उपरोक्त में ये आएंगे सभी। ठीक है, उपरोक्त में सभी है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, गयासुद्दीन तुगलक की माँ किस धर्म से संबंधित थी, या उनका धर्म क्या था, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम। तो हिंदू धर्म था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया हुआ है कि लगान व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या, उसका क्या उद्देश्य था, लगान उद्देश्य में या लगान व्यवस्था जो थी उसको बेहतर करने के लिए उसने क्या किया था, कृषियों की भूमि की वृद्धि की, यानी उसकी वृद्धि करवा दी, क्षेत्रफल बढ़वा दिया, और किसानों की स्थिति को सुधारना। ये दो मकसद थे किसके, गयासुद्दीन तुगलक के लगान व्यवस्था को सही करने में। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा गा का और खा, का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, तेलंगाना विजय के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने कितने आक्रमण किए थे। तो जब तेलंगाना विजय की थी तो उसमें गयासुद्दीन ने 2 आक्रमण किए थे, यानी 2 बार आक्रमण किया था तेलंगाना विजय के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंचाई के लिए नगर निर्माण करने वाला या कराने वाला प्रथम शासक या फिर सुल्तान
या कह सकते हो बादशाह कौन था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन आपका जाएगा गैसुद्दीन तुगलक खावाला। ठीक है, और आपको कैसे भरनी है OMR शीट, वो मैंने भर वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। रस्म मियाँ नीति का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के, रज़िया सुल्तान के, गैसुद्दीन तुगलक के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आएगा आपका गा ऑप्शन, गैसुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में तीसरे शहर की यानी जो दिल्ली में तीसरा शहर था तुगलकाबाद, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था यानी किस सुल्तान ने करवाया था, सिकंदर लोधी, गैसुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोधी, या फिर और ये आपका कराया था गैसुद्दीन तुगलक। तो ये खावाला राज जाएगा। गैसुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ यानी कि किस सन में गैसुद्दीन बादशाह नियुक्त हुआ, 8 सितंबर 1720, 8 सितंबर 1298, 17 जून 1321, 22 जून 1322। तो जो खा है आपका ये रट जाएगा, 8 सितंबर 1298 को गैसुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई, यानी गैसुद्दीन तुगलक था तो उसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो आइए देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, सन 1310 दिल्ली में, सन 1319 रायपुर में, सन 1325 यानी कि आगरा में। तो यही राइट ऑप्शन आपका गा वाला सही है। तो 1325 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हुई थी किसकी, गैसुद्दीन तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रति सर्वाधिक दयालु कौन सा शासक था या कौन सा सुल्तान था या बादशाह था। ठीक है, सुल्तान उर्दू का शब्द है, बादशाह भी है और शासक है हिंदी का शब्द, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो हिंदुओं के प्रति सर्वाधिक दयालु स्वभाव के थे। अगला जो है आपका क्वेश्चन वो ये है कि किस सुल्तान को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, फिरोज तुगलक को, 3 ऑप्शन आपके और दिए हुए हैं आगे देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सर्वाधिक विरोधी सम्मिश्रण कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक कहाँ था, पंजाब, दिल्ली, लाहौर, ये सिंध में था, सिंध प्रांत, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है और आज़ादी से पहले ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक ही देश था। ये बाद में इसका बंटवारा हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन कब भेजा, 1338 में, सन 1339 में, पर आपका दिया हुआ है सन 1342 ईस्वी में, सन 1343 में। तो गा वाला ऑप्शन है, ये आपका रट जाएगा। आपने 5 दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, अब यहाँ दिया हुआ मोहम्मद असलम, खुर्शीद आलम, या दिया हुआ यासीन खां। तो राइट जाएगा आपका ऑप्शन वो घा, मलिक फखरुद्दीन उर्फ जूना खान, ये था वास्तविक नाम किसका, गैसुद्दीन तुगलक का। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर प्रथम बार गया, पहली बार। तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन आपके 2 हैं अभी, इल्तुतमिश सुल्तान, इनकी सुल्तान तुगलक। अब बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर प्रथम बार गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्रोह किस बादशाह के शासनकाल में हुए थे। तो यहाँ ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, रज़िया सुल्तान। तो पहला वाला ऑप्शन हट जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे या विरोध हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है,
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता का मूल कारण क्या था? कि वो असफल, इनका शासन असफल क्यों हुआ? जन असहयोग रहा? नहीं। लालची प्रवृत्ति थी? ये भी नहीं थी। मेन जड़ था वो ये था कि वो अपनी योग्यता से अत्यधिक विश्वास करते थे और किसी बात पर विश्वास किसी की वो नहीं करते थे। यही उनके पतन का कारण बना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान हिंदुओं के साथ दरबार में होली खेला करता था? तो यहाँ पर खिलजी हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कैसुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये हिंदुओं के साथ दरबार में होली खेलते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 21, इनके सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो अब इनकी उपाधि देख लेते हैं। लिखा है उलुगु खान जिलिल्लाह, अमीर उल मोशीन मोमीन। तो ये उपरोक्त में सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये तीनों उपाधियाँ थी किसको? गयासुद्दीन तुगलक को, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र राज्य बना? तो फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका बी वाला सही जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और फर्स्ट सेमेस्टर के भी और देख रहे हैं तो उनके लिए भी इतिहास का वीडियो मिल जाएगा कल। और साथ ही जो सेमेस्टर फाइव आ रहा है, तो सेमेस्टर फाइव का अगर आप लोग सिलेबस चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको हम समय से वीडियो प्रोवाइड करा दें। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से एक भी नहीं है। तो ये जो था आंसर आपका है वो है मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन जाएगा खारा, इनका का राइट आपका। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1325 से 1351, 1326 से 1365, 1325 से 1368 और 1340 से 1365 तक। तो पहला वाला आपका ऑप्शन राइट जाएगा, 1325 से 1351 तक शासन किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात आ रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने वर्षों शासन किया था? तो 20 वर्ष, 15 वर्ष, 26 वर्ष और 24 वर्ष। तो 26 वर्ष किया क्योंकि 25 में इन्होंने शासन किया था और ये 51 में शासन का ख़त्म हुआ, तो 25 ये हो गई और एक को 26 साल में शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत कहाँ हुआ था, ठीक है, सॉरी कब हुआ था? सन 1350 में, सन 1351 ईस्वी में, सन 1352 में, सन 1360 में। तो सन 1351 ईस्वी में हुआ था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, 27 में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित की थी? खुरासान, देवगिरी दौलताबाद, मदोई तुगलकाबाद, बीजा जहानाबाद। तो वो जो खा आपका ऑप्शन है ये राइट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हुआ कहाँ था? अभी हमने क्वेश्चन देखा था कब हुआ था, कहाँ हुआ था वो भी देख ले रहे हैं, गुजरात में, अमरकोट में, थट्टा में या पंजाब में। तो थट्टा में इनका देहांत हुआ था। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहेगा, इस पर वीडियो बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।